तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर्स यानी कि UFB का पार्ट 21 है, यानी कि 21वां पार्ट है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं चार अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है तब जब आप लोग जानते हों कि उर्दू का कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर को कैसे एक ही मात्रा में बदला जाता है। ठीक, तब आप लोग के लिए एकदम ये हलवा लगने वाला, एकदम आसान। और मैं आप लोग को ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि उर्दू का कोई भी लेटर हो, कोई भी अक्षर, कोई भी हर्फ उठा लीजिए, अगर उसको एक ही मात्रा में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ देते हैं, वो अक्षर एक ही मात्रा में बदल जाता है। तो वही काम आप लोग को यहाँ पर भी करना है। और इतने सारे चार अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्द और पाँच अक्षर वाले भी हैं, जैसे कि देखिए देहरादून, इंटरनेट, केदारनाथ, इसमें पाँच अक्षर हैं। तो चार और पाँच अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे जब आप वो फॉर्मूला जानते हो जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देने वाला। ठीक, वही काम यहाँ पर भी करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं और इतने सारे शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला शब्द है वो है परेशान। परेशान में मैं आप लोग को क्या बताइयूँ, किसी भी शब्द का पहला अक्षर देखना है। तो देखिए, परेशान में सबसे पहला अक्षर क्या है, पौ। तो सोचिए कि पौ को उर्दू में क्या कहते हैं। तो पौ को उर्दू में पे कहते हैं, तो लिख दीजिए, ये हो गया आप लोगों का पे से पौ। उसके बाद से क्या है, अगला अक्षर रे है। सोचिए रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो रॉ को उर्दू में रे कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया रे से रॉ, लेकिन यहाँ पर क्या है, रे है, यानी कि एक ही मात्रा में है रॉ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को इसको एक ही मात्रा में बदलना होगा। ये तो रे से रॉ हो गया, लेकिन इसको एक ही मात्रा में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इस अक्षर के नीचे क्या करेंगे, जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये अक्षर जो है ना एक ही मात्रा में बदल जाएगा। यानी कि रे के नीचे जेर और बड़ी ये लगा दिए तो ये एक ही मात्रा में आसानी से बदल जाएगा। अभी जुड़ा नहीं है, अभी हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला अक्षर है शाह। शाह, शाह को उर्दू में क्या कहते हैं, शाह को उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं, क्योंकि ये वाला शाह है ये, तो बड़ी शीन लिख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया शीन से शाह, लेकिन यहाँ पर क्या है, शाह है, यानी कि आ की मात्रा है इसमें शाह में। ठीक, तो क्या करेंगे, ये तो शीन से शाह हो गया, इसको शाह बनाने के लिए इस शीन में अलिफ जोड़ देंगे तो ये शाह हो जाएगा। उसके बाद से न है, न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है आराम से, परेशान आप लोग लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जोड़िए फटाफट, मैं आप लोगों को जोड़ना भी बताई हूँ। पे का आधा भाग उठाना है, पे का ये आधा भाग 50% पार्ट उठा लिए, ये हो गया आप लोगों का पे से पौ। उसके बाद से रे जो है इसी पे में आकर इसे जुड़ जाएगा, और रे के नीचे तो जेर है ही है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताई हूँ कि जेर ज़बर, जेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद से ये जो बड़ी ये है इस रे में आकर जुड़ेगी, तो ये अपना शक्ल चेंज करेगी ना, बड़ी ये किसी भी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके कैसा रूप ले लेती है, तो ऐसा रूप ले लेती है। तो देखिए, रे के नीचे जेर हम लोग लिखे नहीं है, लेकिन जेर है, तो रे के नीचे जेर और इसे में बड़ी आकर चिपक गई, ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप ले ली, तो रे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया रे, यानी कि एक ही मात्रा में ये बदल गई। और उसके बाद से शीन का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है, ये जो शीन है इसका आधा भाग उठा लिए, ये हो गया आप लोग का शीन से श, लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, शाह, यानी कि ये जो अलिफ है ले जाकर इसी शीन में जोड़ना पड़ेगा, तो शीन में अलिफ जुड़कर शाह, और ये जो नून है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए इसी में। तो देखिए, पे से पौ, रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर रे, शीन में अलिफ जुड़कर शाह और नून से न, तो प रे शाह और न, परेशान। कितना आसानी से हम लोग परेशान लिख लिए उर्दू में। ठीक, आगे बढ़िए, इसी तरह बाकी सभी शब्दों को आप लोगों को लिखना है। रेलगाड़ी, ये बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहला अक्षर क्या है, रे। रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, रे ही कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का रे से रॉ, लेकिन यहाँ पर क्या है, रे, यानी कि एक ही मात्रा में है, यानी कि ये जो रे से रॉ हो जा रहा था अब इसको एक ही मात्रा में बदलिए, रे एक ही मात्रा में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे जेर और बड़ी ये लगा देंगे, जोड़ देंगे, तो ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, ये हो गया। और गा है, गौ को उर्दू में क्या कहते हैं, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, तो ये तो हो गया आप लोगों का गाफ से ग, लेकिन गा बनाने के लिए इसी गाफ में अलिफ जोड़ देंगे तो गा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर री है, ठीक, तो रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, तो यहाँ पर रे से तो रॉ हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, री है, यानी कि ई की मात्रा में है, तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा में है, तो यहाँ पर जो है ना री, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, री में कौन सा ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो जब भी किसी उर्दू के अक्षर को बड़ी ई की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर जो है ना बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है। तो रे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ये री हो जाएगा। अब इन सबको जोड़िए फटाफट। रे का ये जिस तरह लिखा है पूरा का पूरा रे आप लोगों को लिख देना है। रे के नीचे क्या है, जेर, हम लोग लिखेंगे नहीं, और ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर रे में चिपक जाएगी, रे में जुड़ेगी नहीं। देखिए,
अलिफ दाल डाल जाल रे और जे और वाव, ये ऐसे अक्षर है ना जिसमें कोई भी अक्षर जाकर जुड़ता नहीं है, जोड़ने के लिए बस ले जाकर चिपका देना पड़ता है। जैसे कि सीन सब आप लोगों को लिखना है, तो सीन से सौ प्लस ब, बे से ब, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, सीन का आधा भाग काट देते हैं, सीन का आधा भाग उठा लेते हैं ऐसे, और उठाकर इसी सीन में ये पूरा का पूरा बे जो है ले जाकर ऐसे जोड़ देते हैं। तो सीन का आधा भाग काट कर आधा भाग में बे ले जाकर जोड़ दिए ना, सब बना दिए। तो इसमें आप सीन में क्या कर दिए, बे जोड़ दिए, तो सब लिखा गया। लेकिन ये ऐसे अक्षर हैं जिसमें कोई अक्षर जाकर जुड़ता नहीं है, ऐसे मतलब आधा भाग कट कर जुड़ता नहीं है, बस ले जाकर चिपका दो तो वो मान लिया जाता है कि जुड़ गया। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को अब लिखना है, तो अब लिखने के लिए अलिफ से अ प्लस ब लिखना है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि अलिफ का भी तो कुछ भाग कटेगा ना, जैसे कि सीन का ये आधा भाग इतना कट गया और सीन के आधे भाग में बे जुड़ गया तो सब हो जा रहा था, उसी तरह अलिफ का आधा भाग ऐसे कट जाना चाहिए, ऐसे इतना आधा भाग कट जाना चाहिए और आधे भाग में ऐसे बे जुड़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अलिफ यहाँ पर है ना, जिस तरह अलिफ का अलिफ रहता है उस तरह लिख दो, और बस अलिफ में बे जोड़ने के लिए बस बे को ले जाकर अलिफ के पास चिपका देना है, बस बे ले जाकर चिपका देना है। तो अलिफ से और बे से बा, ये हो गया अब, ठीक। तो वही मैं आप लोगों को बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे अक्षर है ना कि इन सभी अक्षर में अगर दूसरे अक्षर को जोड़ना है तो बस जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ले जाकर रख दो, चिपका दो, तो वो जुड़ जाता है। अलिफ में बे जोड़ना था तो अलिफ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बे ले जाकर क्या कर दिए हम लोग, अलिफ के पास चिपका दिए, रख दिए, तो ये जुड़ गया अ और ब अब, ठीक। उसी तरह मान लीजिए आप लोग को दम लिखना है, तो दाल से द और उसके बाद से मीम से म, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आप सोच रहे होंगे कि दाल का आधा भाग काट दिया जाएगा और इसी में क्या हो जाएगा, ये मीम आकर ऐसे जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। मैं क्या बताई, अलिफ दाल डाल जाल रे जे वाओ, ये ऐसे अक्षर है कि इनमें दूसरा अक्षर जाकर जुड़ता नहीं है, बस ले जाकर चिपका दिया जाता है, तो अक्षर क्या होता है, मान लिया जाता है कि जुड़ गया। तो देखिए दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह दाल रहने दीजिए, बस मीम को ले जाकर अगर दाल में जोड़ना है तो बस चिपका देना है ले जाकर, तो जुड़ गया दाल से द और मीम से मदम, ठीक। तो वही बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर भी जो रे है, क्या है, रे में कोई दूसरा अक्षर जुड़ता नहीं है, बस ले जाकर चिपका दो, तो उसी तरह ये रे के नीचे तो जेर था, अब इस बड़ी ये को जोड़ना था रे में, तो बड़ी ये का अपना शक्ल चेंज करेगी लेकिन आकर रे में बस चिपक जाएगी, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि रे में क्या बड़ी ये जुड़ गया, ठीक। तो रे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये एक ही मात्रा में बदल गया रे, ठीक। अब आगे बढ़िए, अगला अक्षर क्या है, ला है यहाँ पर, ला, ठीक है। अब लाम को क्या कीजिए, पूरा का पूरा लाम इसी ये में लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो देखिए रे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर रे और लाम से ला, ये हो गया रेल। अब गाड़ी लिख दीजिए, गाफ का आधा भाग उठा लेना है, ऐसे उठा लीजिए, ये हो गया, बस ये सीधा वाला भाग जो है ना यहाँ पर कर्व हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया गाफ से ग, लेकिन गाफ में अलिफ जोड़ना पड़ेगा ना गा बनाने के लिए, तो ये जो अलिफ है ले जाकर ऐसे गाफ में जोड़ दीजिए, तो गाफ में अलिफ जोड़कर गा और रे जो है पूरा का पूरा जिस तरह लिखा है उस तरह लिख देना है। रे में भी कोई दूसरा अक्षर ले जाकर चिपका दो तो वो अक्षर मान लिया जाता है कि जुड़ गया, तो रे के नीचे जेर और बस ये छोटी ये जो है ना बस ले जाकर ऐसे रे में चिपका दो, तो रे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर रे, तो रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। अगला शब्द है बेवकूफ़, बेवकूफ़ में या काफ के नीचे बिंदु रहेगा, ठीक है। तो देखिए बे है, सबसे पहला अक्षर क्या है, बे, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, तो लिख दीजिए, ये हो गया आप लोगों का बे से ब, लेकिन बे क्या है एक ही मात्रा में है, यानी कि ये जो बे से ब हो जा रहा था अब इसको एक ही मात्रा में बदलिए, तो बे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये हम लोग जोड़ देंगे, तो ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से क्या है, व, व को उर्दू में क्या कहते हैं, वाओ कहते हैं, ठीक। उसके बाद से कू है, कू, देखिए नीचे बिंदु वाला क है, तो जब नीचे बिंदु वाला क रहता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, ये वाला काफ, देखिए ये हो गया काफ से नीचे बिंदु वाला क। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, कू है, कू यानी कि ऊ की मात्रा में है, तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा में है, तो यहाँ पर जो है ना छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी उर्दू के अक्षर को छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है तो उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश लगा दिया जाता है, ठीक। तो वो अक्षर ऊ की मात्रा में बदल जाता है, तो काफ के नीचे काफ के ऊपर पेश लगा दिए तो ये कू यानी कि ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना
इसके साथ साथ हम लोग वाओ भी लगाएंगे। ये आप बोल सकते हैं एक तरह से अपवाद है, मतलब ऊपर पेश लगना चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग वाओ लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद से क्या है, फ़ फ़ को उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ को उर्दू में फ़े कहते हैं, ठीक। तो अब इन सबको जोड़िए, बे का आधा भाग उठा लेना है उठा लीजिए, बे के नीचे क्या है, ज़ेर है, और इसी बे के आधे भाग में ये जो बड़ी है ऐसे आकर चिपक जाएगी। तो बे के नीचे ज़ेर और ये हो गया बड़ी, ये जुड़कर बे एक ही मात्रा में बदल गया। उसके बाद से ये जो वाओ है ले जाकर रख दीजिए, और काफ़ का आधा भाग उठा लेना है, काफ़ का आधा भाग उठा लिया, और काफ़ के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये काफ़ में क्या कर देना है, ये जो वाव है ले जाकर जोड़ देना है। तो काफ़ में पेश और वाव जुड़कर कू हो गया, और ये जो फ है पूरा का पूरा ले जाकर यहाँ पर रख दीजिए। थोड़ा स्पेस कम है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ऑप्शन आता है जूम करने का, ठीक। तो देखिए, बे के नीचे ज़ेर और बड़ी जुड़कर बे, वाव से व, काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर कू, और फे से फ, तो बेवकूफ़, ठीक। आगे बढ़िए, महादेव लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, मा, मा को उर्दू में कहते हैं मीम, मीम से म हो गया। उसके बाद से क्या है, हा, हा को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, हे से तो हा हो गया, लेकिन हम लोगों को बनाना क्या है, हा बनाना है, तो सिंपल हम लोग इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो हा हो जाएगा। उसके बाद से दे है, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, दाल से द हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, दे, यानी कि ए की मात्रा में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ज़ेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से व है, व को उर्दू में क्या कहते हैं, वाव कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दिए, मीम का आधा भाग उठा लेना है, ऐसे मीम का आधा भाग उठा लिए। उसके बाद से ये जो हे है ये अपना शक्ल चेंज करेगी, और शक्ल चेंज करके ऐसे अपना शक्ल चेंज करके इसी मीम में आकर जुड़ जाएगी, यानी कि ये जो है मैं आप लोग को बताई हूँ, शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, ठीक। तो ये जो है अपना शक्ल चेंज की और इसी मीम में आकर हे जुड़ गई, ठीक। हे से तो हा हो गया, लेकिन हम लोग को हा बनाना है ना, तो ये जो अलिफ है इसी हे में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए, तो मीम से माँ और हे में अलिफ जुड़कर हा, महा। और देखिए ये जो दाल है पूरा का पूरा ले जाकर रख दीजिए, और दाल के नीचे क्या है, ज़ेर है, ठीक। और बड़ी ये जोड़ना है आप लोग को इसी दाल में, तो बस ले जाकर बड़ी ये को क्या करना है, चिपका देना है, ठीक। तो बड़ी ये क्या करेगी, अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर चिपक जाएगी दाल में, तो दाल के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो जाएगा दे, और ये जो वाव है पूरा का पूरा इसी ये में आकर जुड़ जाएगा। देखिए, म, हा, दाल के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर दे, और वाव से वा, तो देव, महा और देव, महादेव, ठीक। आगे बढ़िए, एक साथ, एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर क्या है, ए। अब यहाँ पर डायरेक्ट ए दिख रहा है, तो इसको हम लोग उर्दू में कैसे लिखेंगे, जैसे कि अलिफ से अ होता है ना, तो अलिफ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जोड़ देते हैं, तो ये हो गया ए, नॉर्मल अलिफ के नीचे ज़ेर लगा देना है और बड़ी ये जोड़ देना है, तो ये ए हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से क, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ से क हो गया सा है, सा को उर्दू में सीन कहते हैं, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, था है, था को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह ये देखिए ते से त होता है और इसी ते में एच जोड़ दिया जाता है, ये वाला हे एच, तो ये ते में एच यानी कि हे जुड़कर था हो जाता है, तो ये हो गया था। अब इन सबको जोड़ दीजिए फटाफट, अलिफ जिस तरह लिखा है उस तरह रहने दीजिए, अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख देना है, अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, और अलिफ में बड़ी ये जोड़ना पड़ेगा ना, तो बस ये बड़ी ये जो है ना अपना शक्ल चेंज करके आकर एक ये जो अलिफ है इसमें आकर चिपक जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बड़ी अपना शक्ल चेंज की और शक्ल चेंज करके आकर अलिफ में चिपक गई, तो अलिफ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया आप लोगों का ए, और ये जो काफ है पूरा का पूरा लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया एक, ठीक। और उसके बाद से अब अलग साथ लिख दीजिए, सीन का आधा भाग उठा लीजिए, सिन का आधा भाग उठा लिए, और सिन से सा हो गया, सा बनाने के लिए जो अलिफ है जोड़ दीजिए, और ये जो था है पूरा का पूरा ले जाकर चिपका दीजिए, तो सिन में अलिफ जुड़कर सा और थे, ये हो गया आप लोगों का था, तो साथ, तो एक और साथ, एक साथ, ठीक। आगे बढ़िए, मेहनत, मेहनत कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहला अक्षर क्या है, मे, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से तो माँ हो गया, और मे यानी कि एक ही मात्रा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अक्षर के नीचे ज़ेर लगा देंगे और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये एक ही मात्रा में यानी कि मे की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं लिख दीजिए, न को उर्दू में नून कहते हैं, और त है, त को उर्दू में ते कहते हैं, ठीक, तो ते लिख दीजिए, ठीक। अब इन सबको जोड़ना है, मीम का आधा भाग उठा लेना है, मीम का आधा भाग उठा लीजिए, मीम के नीचे क्या है, ज़ेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, और आप लोग सोच रहे होंगे इस बड़ी ये को ले जाकर जोड़ दीजिए मीम में ऐसे करके, ठीक। मीम क्या, मीम में ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा ही आकर जुड़ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मीम के नीचे ज़ेर और बड़ी जुड़कर मे, और ये जो है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, ये हो गया हे से ह, और नून का भी आधा भाग लेकर चले जाइए इसी में, नून से ना, और ते
को पूरा का पूरा लास्ट है तो पूरा का पूरा लिख दीजिए। तो त तो मे मीम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर मे हे से ह नून से न और ते से त मेहनत, इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं लिखा जाता है मेहनत। ये जो मीम के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ रहे थे मे, अब यहाँ पर जो है ना बड़ी ये नहीं जुड़ेगा, सिंपली मीम के नीचे जेर लगा देंगे ना तो वो एक ही मात्रा में। देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि सिर्फ जेर लगा दो तो वो अक्षर एक ही मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि मीम के नीचे यहाँ पर अगर जेर लगाती है तो ये एक ही मात्रा में बदल गया। अब डायरेक्ट ये ना लिख कर हे लिख दीजिए डायरेक्ट, ये हो गया आप लोगों का है, यानी कि ये बड़ी ये नहीं जोड़ना है। अब डायरेक्ट मीम के नीचे जेर है तो हम लोग लिखेंगे नहीं, मीम के नीचे जेर मान लेना है और ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर मीम मिलाकर जोड़ दीजिए। हे से ह हो गया और नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और ये हो गया आप लोगों का ते से त, ठीक। तो मीम के नीचे जेर से ये मे एक ही मात्रा में बदल गया बस। अब यहाँ पर बड़ी ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें बड़ी ये नहीं जुड़ा रहता है तो भी वो एक ही मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर है, मीम के नीचे जेर जुड़कर ये मे यानी कि एक ही मात्रा में बदल गया और हे से ह और नून से न और ते से त मेहनत। आसानी से इस तरह मेहनत लिखा जाता है, ये आप लोगों का सही है, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं यही वाला लिख देती हूँ मेहनत, सिंपल ऐसे लिखा जाता है मेहनत, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का मेहनत, यही वाला बात मैं यहाँ पर भी लिख दी। अब आगे बढ़िए बेहतर, बेहतर भी जिस तरह यहाँ पर मेहनत लिखे मीम में बड़ी ये नहीं जोड़ रहे थे, उसी तरह यहाँ पर भी बेहतर में ना बे में बड़ी ये नहीं जोड़ेंगे। बे है बॉक उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बे के नीचे सिर्फ जेर लगा देंगे ना तो ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा, यहाँ पर बड़ी ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं ना जिसमें सिर्फ जेर लगा दो तो वो एक ही मात्रा में बदल जाता है, तो यहाँ पर बे के नीचे जेर लगा दिए तो ये एक ही मात्रा में बदल गया। और ह है, ह उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं। त है, त उर्दू में ते कहते हैं, लिख दीजिए। और उसके बाद से र है, र उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन बे के नीचे जेर जुड़कर ये क्या हो गया, बे एक ही मात्रा में बदल गया और ये जो है अपना शक्ल चेंज करेगा और ऐसा रूप ले लेगा। तो ये हो गया हे से ह, बे और हे से ह, और ते का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ते से त हो गया, और बस लास्ट में रे जो है ना ले जाकर ऐसे चिपका देना है। देखिए बे से, बे के नीचे जेर जुड़कर बे, हे से ह, ते से त और रे से र, तो बेह और तर, बेहतर। कितना आसानी से बेहतर भी लिखा गया। आगे बढ़िए लालटेन, लालटेन कैसे लिखेंगे। सबसे पहला अक्षर क्या है, ला। ला उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। लाम से ला हो गया, ला बनाने के लिए लाम में अलिफ जोड़ दिए और फिर ला है, ला उर्दू में लाम कहते हैं। और टे है, ट उर्दू में टे कहा जाता है, टे से तो ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही मात्रा है टे में, तो इस टे से तो ट हो जा रहा था, लेकिन इसको एक ही मात्रा में बदलने के लिए इस टे के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ दिए, तो ये टे यानी कि एक ही मात्रा में बदल जाएगा। और उसके बाद से ना है लास्ट वाला अक्षर, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है आराम से, लालटेन भी आप लोग लिखेंगे। देखिए लाम का आधा भाग उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा लिए, ये हो गया आप लोग का लाम से ला, लेकिन ला बनाना है ना तो इसी लाम में अलिफ ऐसे ला कर जोड़ दें, ठीक है। तो लाम में अलिफ जोड़ कर ये हो गया ला, और फिर ये लाम का आधा भाग उठाना है आप लोगों को, फिर से ये लाम से ला हो गया, और टे का आधा भाग आप लोग को फिर से उठा लेना है, ये हो गया आप लोग का टे से ट। टे के नीचे क्या है, जेर है, और तो हम लोग लिखेंगे नहीं टे के नीचे जेर, और बस ये जो बड़ी ये है इसी टे में आकर ऐसे शकल चेंज करके जुड़ जाएगी। तो टे के नीचे जेर और ये आप लोगों का बड़ी ये शकल चेंज करके जुड़ गई, तो क्या हो गया, टे यानी कि एक ही मात्रा में बदल गया। और ये जो नून है बस लास्ट में ऐसे ले जाकर चिपका दो पूरा का पूरा। तो देखिए लाम अलिफ जुड़कर ला, लाम से ला लाल, और टे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर टे और नून से ना, तो लाल टे न, लालटेन, ठीक। आगे बढ़िए गेंदबाज, गेंदबाज में सबसे पहला अक्षर क्या है, गे। गौ उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, लिख दीजिए। गाफ से गौ हो गया, लेकिन गे यानी कि एक ही मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से ऊपर देखिए बिंदु वाला न है, गेंद यानी कि ऊपर क्या है, न है, तो बिंदु वाले न को भी उर्दू में नून ही कहा जाता है, ठीक। तो लिख दीजिए नून से न। उसके बाद से द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। उसके बाद से बा है, बा को उर्दू में बे कहते हैं, बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से ज है, ज नीचे बिंदु वाला ज रहेगा, तो जे से ये हो गया आप लोग का ज, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए, गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया गाफ के, गाफ, और गाफ के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप लेकर गाफ में जुड़ जाएगी। तो गाफ के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया आप लोगों का गे। और उसके बाद से ये नून है, नून, ये नून से जो ना हो रहा था ऊपर बिंदु वाला ना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। नून का आधा भाग उठा लिए
और यहाँ पर आकर इसी ये में जोड़ दीजिए, ठीक है। जो दाल है बस इसी दाल को ले जाकर नून में ऐसे जोड़ देना है। तो गाफ के नीचे जेर और बड़ी जोड़ कर गे नून से ना और दाल से दा, ये हो गया आप लोग का गेंद। गेंद लिखा गया, उसके बाद से अब अलग से आप लोग को बाज लिख देना है। बाज लिखने के लिए बे का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, बे से ब हो गया, बा बनाने के लिए जो अलिफ है बे में जोड़ दीजिए और जे से जा, तो ये हो गया बाज। तो गेंद और बाज, गेंद बाज, कितना आसानी से लिखा गया। आगे बढ़िए पहनने, पहनने लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे। पहला अक्षर क्या है, प। प को उर्दू में क्या कहते हैं, पे। पे से प हो गया, ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, हे से ह हो गया न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, लिख दीजिए फटाफट। और ने है, न को उर्दू में नून, और ने बनाने के लिए इसी नून के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोग को। पे का आधा भाग उठाइए फटाफट, पे का आधा भाग उठा लिए और ये हो गया पे से प, और इसी पे में आप लोग को ये जो हे है जोड़ दे रहे हैं। हे क्या करेगी, अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, तो ये हो गया आप लोगों का ह, प ह। और ये जो है नून का आधा भाग, इसको भी लाकर इसी हे में ऐसे जोड़िए, ठीक। ये हो गया एक न, एक ठोना हो गया एक नून से, और फिर आप लोग को दूसरा ये नून उठाना है, तो इसका भी आधा भाग आप लोग उठाएंगे, इस नून का भी आधा भाग उठा लेना है। ये हो गया आप लोग का नून, और नून के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। और ये जो बड़ी ये है ले जाकर ऐसे जोड़ दो, ठीक है, इसी नून में। तो देखिए पे से प, हे से ह, नून से न, और नून के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ने, ठीक। तो प हन और ने, पहनने, ठीक। आगे बढ़िए महकते, महकते में सबसे पहला अक्षर क्या है, म। म को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं। क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। और ते है, त को उर्दू में ते कहते हैं। और ते से तो त हो गया, एक ही मात्रा में बदलने के लिए इसी अक्षर के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये ते यानी कि एक ही मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, मीम का आधा भाग उठा लेना है, मीम का आधा भाग उठा लिए। उसके बाद से हे है, और आप लोग जानते हैं जब किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो मीम से म और हे से हाँ हो गया। उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को ऐसे, ये काफ का आधा भाग उठा लिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया आप लोग का काफ से क। उसके बाद से ते का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, ये हो गया ते। ते के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। और ये जो बड़ी ये है बस इसी ते में ले जाकर ऐसे जोड़ दो, ठीक। तो ते के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ कर ते, तो म ह क ते, महकते, ठीक। तो इतने सारे लफ्ज़ों को हम लोग लिख लिए उर्दू में। अब इस बारी आती है इन सब की, ये पांच अक्षर वाले हैं, देहरादून लिखना है आप लोगों को। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, दे। द को उर्दू में दाल कहते हैं, दाल से द हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही मात्रा है, ठीक है। तो एक ही मात्रा में बदलने के लिए दाल के नीचे जेर और बड़ी ये जोड़ देंगे, दे हो जाएगा। उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं। रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। दू है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। और देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है दाल में, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है तो हम उस अक्षर के ऊपर पेश लगा कर उसमें वाव जोड़ देते हैं, तो वो बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है। तो दाल में ऊपर पेश लगा दिए और वाव जोड़ दिए तो वो बड़ा वाला दू की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ना है, ना उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए स्पेस कम है लेकिन छोटा छोटा इसीलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक। तो दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख लेना है आप लोगों को। दाल के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और दाल के पास ऐसे जाकर चिपक जाएगी, तो दाल के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर क्या हो जाएगा, दे। और ये जो है अपना शक्ल चेंज करके इसी हे में, ये में जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आप लोग का हे से ह। और इसी है में ये जो रे है आकर ऐसे जुड़ जाएगी, रे, और रे में अलिफ जोड़ देना है तो ये हो जाएगा रा, ठीक। तो दाल के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर दे है से ह, रे में अलिफ जुड़कर रा, देहरा हो गया। बस आप लोग को दून लिख देना है, ये जो दाल है और दाल के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस वाव जो है ले जाकर जोड़ दीजिए और नून जो है इसी में ले जाकर चिपका दीजिए, ठीक। तो दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर दू और नून से न, तो ये हो गया आप लोग का दून। तो देहरा और दून, देहरादून। आगे बढ़िए इंटरनेट कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर क्या है, ई। और उर्दू में ई को उर्दू में क्या कहते हैं, फटाफट सोचिए, पहला अक्षर क्या है, ई। तो सोचिए ई को उर्दू में कैसे लिखते हैं और क्या कहते हैं। तो अलिफ के नीचे जैसे ही हम लोग जेर लगा देते हैं ना, तो ये ई की मात्रा, यहाँ पर छोटा वाला ई है ना, तो छोटा वाला ई की मात्रा में बदल जाती है। और अगर बड़ा ई में अगर इसको बदलना रहता तो बस इसी में छोटी ऐसे जोड़ देते, तो ये जो है बड़ी ई कहलाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटी ये है, तो अलिफ के नीचे सिर्फ जेर लगा देंगे तो ये छोटी ये हो जाएगी, ठीक। तो अलिफ के नीचे जेर लगा कर ये छोटी ये हो गया। और उसके बाद से ऊपर क्या है, नून है, मतलब ऊपर ना है, इन यानी कि ऊपर बिंदु वाला ना है, तो बिंदु वाले ना को भी उर्दू में क्या कहते हैं, नून ही कहते हैं, तो नून लिख दीजिए। उसके बाद से ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं।
फिर र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, उसके बाद से ने है, न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ने बनाने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, और फिर ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख देंगे, अलिफ के नीचे जेर है हम लोग लिखेंगे नहीं, तो अलिफ के नीचे जेर जुड़ कर क्या हो गया है, ये ई हो गया है। और उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए, ठीक। और उसके बाद से टे का भी आधा भाग उठा लीजिए जोड़ने के लिए, तो टे का आधा भाग उठा लिए, और फिर ये जो र है पूरा का पूरा ले जाकर इसी टे में जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये हो गया, देखिए अलिफ के नीचे जेर जुड़कर ई, छोटा वाला ई, और नून से न, और टे से ट, और रे से र। तो इन, अलिफ के नीचे जेर और नून से न, इन, और टे से ट, और रे से र, टर। तो इंटर, इंटर हो गया। अब बस नेट लिख देना है, नून का आधा भाग उठा लीजिए, और नून के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी नून में ऐसे आकर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो नून के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ने, और ये जो टे है पूरा का पूरा लेकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का ने और ट, नेट, इंटरनेट। अब अगला शब्द है केदारनाथ, कैसे लिखेंगे आप लोग केदारनाथ। सबसे पहला अक्षर क्या है, के, क को उर्दू में काफ कहते हैं, के या ए की मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से दा है, द को उर्दू में दाल कहते हैं, आ की मात्रा में बदलने के, दा बदलने के लिए इसमें अलिफ जोड़ देंगे, ठीक। और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, फिर ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून, ना बनाने के लिए नून में अलिफ जोड़ देंगे। फिर थ है, थ को जिस तरह ते से त, ते में, ते से क्या होता है, तब इसी ते में क्या कर देते हैं, हे यानी कि एच जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है आप लोग का था। तो ये हो गया था। अब इन सबको जोड़ दीजिए, काफ का आधा भाग उठा लेना है, उठा लेना है फटाफट। काफ के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी काफ में आकर जुड़ जाएगी। तो काफ के नीचे जेर और बड़ी जुड़ कर ये हो गया आप लोग का के। और उसके बाद से ये जो दाल है, दाल को इसी में, इसी ये में ले जाकर जोड़ देना है। और दाल से तो दा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, दा है, यानी कि ये जो अलिफ है दाल में ऐसे चिपका दीजिए, ठीक। तो ये दाल में अलिफ जुड़ जाएगा, तो दा, और उसके बाद से रे जो है ले जाकर चिपका दीजिए ऐसे अलिफ में ही, ठीक है। तो देखिए काफ के नीचे के, काफ के नीचे जेर बड़ी जुड़ कर के, और दाल में अलिफ जुड़ कर दा, और रे से रह। तो ये हो गया आप लोग का केदार। और बस आप लोग को नाथ लिख देना है, नून का आधा भाग उठा लेना है, और नून में अलिफ जुड़ कर ना, और ये जो थ है पूरा पूरा ले जाकर चिपका दीजिए। देखिए केदार और नून में लिख जुड़ कर ना और थ, तो नाथ, केदारनाथ। कितना आसानी से केदारनाथ लिखा गया। आगे बढ़िए रेल पटरी, रेल पटरी को कैसे लिखेंगे। देखिए रे है पहला अक्षर, तो रे से तो रा हो गया, एक ही मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी जोड़ दी है। ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, बड़ाफट लिखना है। और ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं, और री है, र को उर्दू में रे कहते हैं। और कौन सा वाला ई की मात्रा है रे में, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर बड़ी ई की मात्रा में बदल जाती है, ठीक। उस इस तरह यहाँ पर अब इन सबको जोड़िए, रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। यहाँ पर रे के नीचे जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर चिपक जाएगी रे में। तो रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये ए की मात्रा में बदल गया, और लाम से ल, लाम जो है पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए। तो रेल हो गया, जिस तरह यहाँ पर रेल लिखे थे उसी तरह यहाँ पर भी रेल लिखा गया। उसके बाद से पटरी, अब बस लिखना है, पे का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का पे से प, टे का भी आधा भाग उठा लीजिए, टे हो गया आप लोग का टे से ट, और ये जो रे है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए रे में। और रे के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो छोटी ए है ले जाकर रे में चिपका दिया जाएगा, तो रे में छोटी ए जुड़ जाएगी। तो रे के नीचे जेर और छोटी ए जुड़ कर क्या हो गया, री। तो प ट री, पटरी, तो रेल और पटरी, रेल पटरी, ठीक। आगे बढ़िए टेलीविज़न, टेलीविज़न में सबसे पहला अक्षर क्या है, टे, टॉक उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं, टे से ट हो गया, लेकिन एक ही मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। फिर ली है, लॉक उर्दू में लाम कहते हैं, ली बनाने के लिए बड़ी की मात्रा में बदलने के लिए इसी लाम के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे। फिर वी है, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं, और इसको भी बड़ी की मात्रा में बदलने के लिए, वी बनाने के लिए इसके नीचे भी क्या करेंगे, जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से ज है, ज को उर्दू में जे कहते हैं, और उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है, टे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, टे का आधा भाग उठा लिए, टे के नीचे क्या है, जेर है, और बड़ी ये बस लाकर जोड़ देना है। बड़ी ये जो है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो टे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये ए की मात्रा में बदल गया टे। उसके बाद से लाम उठा लेना है, लाम का आधा भाग, लाम का आधा भाग उठा लिए, और लाम के नीचे जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे कि लाम के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो छोटी है ये भी अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा ही रूप ले लेगी जिस तरह की बड़ी है, मतलब जिस तरह
बड़ी ये अपना शक्ल चेंज कर लेती है, उसी तरह छोटी ये भी शक्ल चेंज कर लिए। तो ये तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लाम के नीचे जेर और ये जो छोटी है ये भी अपना शक्ल चेंज करके ऐसा ही रूप ले ली जिस तरह की बड़ी ये ली थी, ठीक। तो लाम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ली हो गया और वाव जो है इसी में आकर ऐसे चिपक जाएगा, ठीक। और वाव के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी है अपना शक्ल चेंज करके इसी वाव के पास आकर चिपक जाएगी। तो वाव के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ये हो गया वी, और ये जो जे है इसी ये में ऐसे जुड़ जाएगा, और नून से ना बस ये चिपका देना है नून को, ठीक। तो देखिए, टे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर टे, लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ली, क्योंकि ये क्या है, छोटी है, इसीलिए आप इसको ली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर टे हो गया, और लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ये हो गया ली, और फिर उसी तरह वाव के नीचे जेर जुड़कर, वाव के नीचे जेर और छोटी जुड़कर वी, और जे से जा और नून से ना, तो टे ली वी ज ना, टेलीविज़न, ठीक। आगे बढ़िए, मेहमान, मेहमान को कैसे लिखेंगे, मे है मौ, मौ उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से मा हो गया, मे बनाने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, ह है ह उर्दू में हे कहते हैं, माँ है माँ उर्दू में मीम कहते हैं, माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, ना है ना उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको फटाफट जोड़ देना है, मीम का आधा भाग उठा लीजिए, मीम का आधा भाग उठा लिए, और मीम के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, और ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करके इसी मीम में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो मीम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर मे, और ये जो हे है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी ए में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हे से ह, और मीम का फिर से आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, फिर मीम से माँ, और माँ बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर जोड़ दीजिए, और नून से ना। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है मेहमान, लेकिन ये गलत है। बस ये जो बड़ी है, जिस तरह यहाँ पर बेहतर में, बेहतर और मेहनत में बड़ी ये नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक ही मात्रा में बदल जा रहा था सिर्फ जेर लगा कर, वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ये जो बड़ी ये है लगा रहे थे मीम में, ये नहीं भी लगाएंगे ना, तो ये जो है मीम सिर्फ जेर लगा देने से एक ही मात्रा में बदल जाएगा। तो मेहमान किस तरह लिखाएगा, मीम के नीचे जेर रहेगा, बस ये जो बड़ी ये जोड़ रहे थे यहाँ पर ये नहीं जुटेगा, ठीक है। डायरेक्ट अब मीम के नीचे जेर जुड़कर ये हो गया मे, और ये डायरेक्ट मे हे लिख दीजिए, हे अपना शक्ल चेंज करेगा और इसी में आकर जुड़ जाएगा, हे से ह, और मीम का आधा भाग उठाकर और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए माँ, और नून से ना। तो इस तरह लिखा जाता है मेहमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का गलत, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है आप लोग का सही, ठीक है। ऐसे मेहमान लिखा जाता है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दी, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का मेहमान, ठीक। आगे बढ़िए, मलेरिया को कैसे लिखेंगे, माँ है पहला अक्षर, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से माँ हो गया, और उसके बाद से ले है, लॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं, और ए बनाने के लिए, ए की मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से री है, रॉ को उर्दू में रे कहते हैं, और ई की मात्रा में है री, तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा में है, तो छोटी वाली ई की मात्रा में है। तो जब भी किसी उर्दू के अक्षर को छोटी वाली ई की मात्रा में बदलना रहता है, तो हम उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं, तो अक्षर ई की मात्रा में बदल जाता है छोटी वाली ई की मात्रा में। तो रे के नीचे जेर लगा दिए तो ये छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से या है, या को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी ये कहते हैं, और या बनाने के लिए इसी ये में अलिफ जोड़ देंगे, तो ये या हो जाएगा, ठीक। अब इन सब को जोड़िए फटाफट, मीम का आधा भाग उठा लेना है, ये हो गया आप लोग का मीम से मा, लाम का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, ये हो गया आप लोग का लाम, और लाम के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके लाम में ऐसे जुड़ जाएगी। तो लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ले, बस ये जो रे है पूरा का पूरा इसी ये में ऐसे आकर जुड़ जाएगा, ठीक। और रे के नीचे क्या है, ऑलरेडी जेर तो है ही है, लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे, तो रे के नीचे जेर जुड़कर री हो गया, ठीक। और उसके बाद से ये जो ये है ना, ये अपना शक्ल चेंज करेगी, ये से या होता है, और ये में अलिफ जोड़ देना है तो या बन जाएगा। तो ये जो ये है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी, और ये तो ये से हो गया या, ये जो ये है अलग है, इस रे में ये नहीं जुड़ा हुआ है, रे के नीचे जेर जुड़कर ये तो री हो गया हम लोग का, छोटी वाली री की मात्रा में बदल गया, ये रे के नीचे जेर जुड़कर री हो गया। अब ये हो गया आप लोग का ये से या, ये जो अपना शक्ल, ये जो है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप ले ली, ये से या हो गया, इसको या बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये में अलिफ जुड़कर या। तो देखिए म ले री, रे के नीचे क्या है, जेर है, तो री, और ये मैल्यू जुड़ कर या, तो मलेरिया, मलेरिया, ठीक। आगे बढ़िए, चबूतरे, चबूतरे कैसे लिखा जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, च है, च उर्दू में चे कहते हैं, चे से च हो गया। अगला अक्षर क्या है, बू, बौ उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, तो बे लिख दीजिए, बे से ब हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बू है, ऊ की मात्रा है, तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बू में छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो इस बौ को बू बनाने के लिए इस बौ के ऊपर क्या करेंगे, पेश जोड़ देंगे, तो छोटा वाला ऊ यानी कि बू की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से त है, त उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, एक मिनट, हाँ,
ऐसे लिखा जाता है ते, ठीक। उसके बाद से रे है, रॉक उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, रे से तो रा हो गया, लेकिन इसको ए की मात्रा, रे की मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगा कर बढ़िए जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़िए, चे का आधा भाग उठाया जाता है, फटाफट उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का चे से चौ। बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिया, और बे के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो बे के ऊपर पेश जोड़कर बू, और ते का आधा भाग उठा लेना है अब आप लोगों को, ते से हो गया त, और उसके बाद से ये जो र है इसी ते में ऐसे आकर जुड़ जाएगा, और रे के नीचे क्या है, जेर है, और बस ये जो बड़ी है आकर इसी रे में ऐसे चिपक जाएगा, ठीक। तो च और बे के ऊपर क्या है, बू, च बू, और ते से त, रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर रे, ठीक है। एक मिनट, ये मिटक ही गया मुझी से, रे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर रे, तो चबूतरे, चबूतरे, ठीक। आगे बढ़िए, बेरहम, बेरहम कैसे लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहला अक्षर है बे, बौ को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे से ब हो गया, इसको एक ही मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बढ़िए जोड़ देंगे। र है र को उर्दू में रे कहते हैं, हाँ है हाँ को उर्दू में हे कहते हैं, उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, बे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, बे का आधा भाग उठा लिए, और बे के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो बड़ी है इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो बे के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये हो गया आप लोगों का बे, एक ही मात्रा में बदल गया। उसके बाद से ये जो र है अलग लिख दीजिए, रे से र हो गया, और हे का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, ठीक। तो हे का आधा भाग उठा लिए, हे से हो गया, और इसी मीम को, पूरा का पूरा मीम को ले जाकर इसी हे में जोड़ देना है ऐसे। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का बे, और रे से र, हे से ह, मीम से म, तो ये रहम, तो बे रहम, बे रहम, ठीक। आगे बढ़िए, कमलेश, कमलेश कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, क, क को उर्दू में काफ कहते हैं, उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, उसके बाद से ले है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, और श है, लेकिन यहाँ पर लाम से तो ल हो गया ना, यहाँ पर क्या है, ले है, ए की मात्रा है, तो इस लाम के नीचे क्या करेंगे, जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, और उसके बाद से श है, श को उर्दू में क्या कहते हैं, शीन कहते हैं, ये बड़ी शीन, ठीक, क्योंकि यहाँ पर तालाब श है, ठीक। अब जोड़िए फटाफट, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ का आधा भाग उठा लिए, काफ से क हो गया, और ये जो मीम है, मीम का आधा भाग उठाकर इसी काफ में ऐसे जोड़ देना है, तो काफ से क और मीम से म। अब ये जो लाम है, लाम का आधा भाग उठा लीजिए, और लाम के नीचे क्या है, जेर तो है ही है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप लेकर और लाम में जुड़ जाएगी, तो लाम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये हो गया ले, और ये जो शीन है, पूरा का पूरा शीन ले जाकर लास्ट में ऐसे जोड़ देना है। तो काफ से कम, मीम से कम, और लाम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ले, और शीन से सा, लेश, तो कम और लेश, कमलेश, ठीक। आगे बढ़िए, मेहरान, मेहरान कैसे लिखेंगे, मीम है पहला अक्षर, म है, म को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट मीम लिख दीजिए, मीम से म हो गया, मे बनाने के लिए इसके नीचे जेर लगा कर बड़ी ये जोड़ देंगे, एक ही मात्रा में बदल जाएगा। ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, और न है, न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग उठाना है, फटाफट उठा लीजिए, मीम के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है, ये बड़ी अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी, तो ये हो गया मीम के नीचे जेर, मीम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर मे, और ये जो हे है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, तो ये हो गया आप लोगों का हे से ह, और ये जो रे है पूरा का पूरा आकर इसी हे में ऐसे जुड़, एक मिनट अच्छा से नहीं जुड़ा, ये जो हे है ना इसी हे में, ये रे जो है पूरा का पूरा जाकर ऐसे जुड़ जाएगी, तो ये हो गया रे, और रे में अलिफ जोड़कर रा हो जाएगा, और ये हो गया आप लोगों का नून से ना, एक मिनट, ये नून अच्छा से नहीं लिखा, ये हो गया आप लोग का नून। तो देखिए, मीम के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर मे, हे से ह, रे में अलिफ जुड़कर रा और नून से ना, तो मे ह रा न, मेहरान। कितना आसानी से हम लोग चार और पांच अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीख गए। आई थिंक आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चारों तरफ शेयर कर दें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और खुद से प्रैक्टिस करते रहें अपने से। अब आप लोग क्या करें, चार अक्षर से मिलकर बने, पाँच अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को क्रिएट करें, और खुद से उसको उर्दू में लिखने और पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। इस तरह आप लोग बहुत जल्द उर्दू सीखेंगे, ठीक। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।